वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने इससे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा, स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा और ये सारी चीज़ें पढ़ी है। अब आपको इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़नी है स्टैटिक चार्ज की, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आप देखें कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से। देखो, आपके पास सपोज करो हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसका मैं ओरिजिन मान रहा हूं ये 0 0, और ये एक्स है और ये y। याद रखें हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मानो इस ओरिजिन पे मैं एक प्लस q चार्ज यहां पर प्लेस कर रहा हूं, प्लस q चार्ज प्लेस कर रहा हूं, और यहां पर मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं। सपोज करो ये पॉइंट यहां है, इस पॉइंट का नाम है a, and this distance is r1, and another point is b, मान लो this point is b and the distance is rb from origin। जब आपने यहां पर चार्ज q रखा हुआ है तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चारों तरफ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब आप सोचें कि अगर मैं इस यहां पर इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखूं q नॉट, टेस्ट चार्ज ये बेटा, टेस्ट चार्ज, या इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्ट चार्ज का मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा कि ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। इट विल जस्ट चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। और मैं इस चार्ज को ऐसे पाथ घुमा करके ऐसे लेके आया, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मैं थोड़ा सा पाथ में और चेंजेस करता हूं, ये मैं इसको ऐसे घुमा के लेके गया। इस टेस्ट चार्ज को मैंने इस टेस्ट चार्ज को यहां से उठाया और ऐसे घुमा करके इस पॉइंट पर लेके आया, ये पाथ मैंने फॉलो किया। सिंपल है, आप एक टेस्ट चार्ज को तो मूव कर ही सकते हो, और बहुत धीरे से मूव किया है आपने इस टेस्ट चार्ज को। जब आपने धीरे से इस टेस्ट चार्ज को मूव किया तो आप यहां से ए टू बी, आप कैलकुलेट क्या करो, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये वर्क डन आप कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट चार्ज अपने आप तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल जरूर कर सकता है इस डायरेक्शन में, पर ऐसे आपको खुद मूव कराना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स लगानी पड़ेगी, आपको खुद एनर्जी देनी पड़ेगी, खुद काम करना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। तो हमने खुद एक्सटर्नल फोर्स लगाई और हम ऐसे करके मूव करा रहे हैं इसको। सपोज करो मैं यहां पर इस पॉइंट पर यहां ये एक छोटा सा पाथ कैलकुलेट मान रहा हूं, और इस पाथ का नाम मैंने डीएल दे दिया, छोटा सा, बहुत छोटा पाथ है। बड़ा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो मैं P से Q मूव करा रहा हूं एक छोटे से पाथ, क्लियर है? अब आप देखें, अगर आप P से Q मूव करा रहे हैं, और मान लो यहां से ये जो P है, इस P का डिस्टेंस यहां से यहां तक
हम मान लेते हैं कि ये R है, R. R is a distance of point P from this charge Q, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आपको इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक मूव कराना है, और इस मूवमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज क्यू की होगी, और मैंने यहां से ये वाला डिस्टेंस आर माना है। क्लियर? तो नॉर्मल है, वर्क डन देखें, डब्ल्यू डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क डन पी से क्यू, वर्क डन इन मूविंग Q naught from P to Q, P से Q जो मूव करा रहे हैं, तो वर्क डन होगा F dot dl, सिंपल। और आप कह सकते हो F dl cos of theta, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको पता ही है। देखें ये dl है, और मान लो यहां से मैंने एक नॉर्मल डाला है, और dl किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके टेंजेंट ये वाला, तो ये वाला एंगल थीटा है, और यहां से एक नॉर्मल प्लेस कर दिया है, और ये जो यहां से यहां डिस्टेंस है ये dr है। ध्यान से देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो कुछ ऐसा है, दिस इज p, दिस इज q, यहां से आपने ये नॉर्मल डाला है, और इसको आपने dr माना है, इसको दिस इज dr, ये dr है r का पार्ट, ये जो dr है दिस इज द पार्ट ओवर दिस r, ये वाला, और pq इज dl एंड दिस एंगल इज थीटा। आप देखो cos थीटा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप dl cos थीटा की जगह dr पुट कर सकते हो, चाहो तो dr, तो मैं यहां क्या पुट कर रहा हूं, f dr, क्लियर, f dr। आपको मैंने कहा था कि आपको इस टेस्ट चार्ज को बहुत धीरे से मूव कराना है, बहुत धीरे से, कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, तो धीरे से एक्सेलरेशन ना होने के लिए आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी इस तरफ कि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर सको। दिस फोर्स इज व्हाट, दिस फोर्स इज अ फोर्स अप्लाइड बाय अस, और कितना अप्लाई करना है, जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगा, तो यहां पर ये जो एफ है, दिस एफ विल बी दिस क्यू, यहां पर आपने Q नॉट रखा हुआ है, K Q Q नॉट बाय R, याद रखना आपको एक्सेलरेट नहीं करना है, तो आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितने फोर्स से इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको रिपेल कर रही है, ये फोर्स इक्विलिब्रियम में लेके मूव करना है, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, बहुत धीरे से मूव कर रहा हूं मैं, ये मैंने माना है कि मैं बहुत धीरे मूव कर रहा हूं, और अब मैं यहां पर पुट करता हूं वैल्यू, तो डी डब्ल्यू विल बी एफ इज व्हाट, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड हेयर डी आर, हेयर डी आर। नाउ देखिए क्या होगा, आप अगर एक चीज ऐसा चाहे, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रही है, और आप अपनी फोर्स के टर्म्स में अगर इसको बदलना चाहते हैं, देखो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, और मैंने बोला था कि आप जो फोर्स लगा के चल रहे हैं, तो आपकी फोर्स इधर होगी, तो आप चाहे तो इसकी जगह आप माइनस पुट कर सकते हैं, माइनस क्या है, माइनस साइन, बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज ऑपोजिट टू कूलम्बिक फोर्स, और दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने कूलम्बिक, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है,
डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। अब आप देखें माइनस लेके चलते हैं, यहां से के क्यू क्यू नॉट में कॉमन ले लेता हूं, इंटीग्रेशन। अगर मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं टोटल वर्क डन के लिए, और मैं कहां से कहां मूव करा रहा हूं, दिस पॉइंट ए से दिस पॉइंट बी। तो ए यहां से ये सेपरेशन कितना है आर वन, और ये वाला डिस्टेंस कितना है आर टू, यहां डी आर बाय आर स्क्वायर, ये माइनस कंडीशन। यहां देखिए आप के क्यू क्यू नॉट माइनस का, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाय आर, और यहां क्या पुट कर सकते हैं आर वन से आर। अब आप देखिए माइनस बाहर आ जाएगा तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन, क्योंकि ये माइनस माइनस लेके मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया है, ये माइनस यहां से गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी के क्यू, अगर मैं ये जो क्यू नॉट है ये वर्क डन है, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट कर दूं मैं, इस क्यू नॉट को मैं नीचे ले आया, तो यहां क्या बचा के क्यू बाय आर टू माइनस के क्यू बाय आर वन, ये वैल्यू बची। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये तो वर्क डन अपॉन चार्ज है। जब एक चार्ज के आसपास मैं किसी चार्ज को मूव करता हूं तो मुझे एक और क्वांटिटी मिल गई। पहले चार्ज के अराउंड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करते थे। अब जब मैंने इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा दिया तो वर्क डन अपॉन चार्ज हमें एक और क्वांटिटी मिली, और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। और ये वर्क क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, और ये वर्क किसने किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने किया है। मैंने कूलम्बिक फोर्स डाला था, एक्सटर्नल फोर्स का ये था वर्क डन, मैंने कूलम्बिक फोर्स जब डाला है तो माइनस का निशान डाल दिया है, तो ये माइनस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एफ है, यानी वो आपको इधर लगा के चलनी है, और जो इस चार्ज की वजह से फोर्स है वो इस डायरेक्शन में। तो आपने मैग्नीट्यूड तो इक्वल देना है, क्योंकि आपको एक्सेलरेट नहीं कराना है चार्ज को, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपके पास नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो इस पर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही आपको लगाना पड़ेगा। तो इस टर्म को हम पोटेंशियल और इसको पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं प्रैक्टिकली। यानी कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो उस चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और क्वांटिटी बनती है, जिस क्वांटिटी को अगर मैं इस क्वांटिटी को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि ये लगभग लगभग वर्क डन है। और ऐसा ही एक फॉर्मूला हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय समथिंग विच इज कॉल्ड पोटेंशियल इज वर्क डन। तो एक्चुअल में अगर आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहां पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी इस पॉजिटिव चार्ज की, तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस चार्ज की अपनी एक फील्ड है, इस फील्ड में आप चार्ज को यहां से यहां उठाते लाए विदाउट एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, तो आपने एक वर्क डन किया, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जो वी बी माइनस वी ए है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्म कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली अगर आपको कोई बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इट इज वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ये जो डेरिवेशन मैंने आपको कराई है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ
पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किया है। स्क्रीन को पॉज करें और इसको लिख लें आप, फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। और अब मैं आपको पोटेंशियल की एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पहले मुझे आपको यह समझाना था कि चार्ज के अराउंड सिर्फ चार्ज की फील्ड नहीं होती, चार्ज का अपना एक पोटेंशियल भी होता है। और याद रखें, हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं कि यार उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ही हैज पोटेंशियल टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो आप किसी भी बंदे का पोटेंशियल बिना काम किए हुए मेजर नहीं कर सकते। आपने जब किसी को काम करते हुए देखा है, उसकी एबिलिटी को जज की है, देन ओनली यू कैन से दैट ही हैज पोटेंशियल, अदरवाइज यू कांट। तो अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। हर चार्ज के पास भी अब फील्ड के साथ साथ एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी का नाम हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया है। और एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने में आप जितना काम करते हो, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी तक हमें कुछ इसका यहां से रफ आइडिया लगा है, अब हम और मूव करते हैं। देखिए, अगर कोई आपको बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस समझाओ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब आप कहोगे सर पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी, मैंने अभी आपको बताया था कि एक व्यक्ति के पोटेंशियल को नापना बहुत मुश्किल काम है। जब तक आप उसके सामने कोई वर्क नहीं डालोगे, उसको किसी काम पे नहीं लगाओगे, हाउ कैन यू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन? तो अगर आपको पोटेंशियल मेजर करना है तो इन दैट केस यू हैव टू डू द वर्क। तो दो अलग अलग काम चाहिए कि आपने काम से पहले का, आपने मुझे कोई काम असाइन किया है, तो एक कंडीशन तो वो है कि जब आपने मेरे को काम असाइन किया है, और दूसरी कंडीशन वो है कि मैंने कितने टाइम में उस काम को किया है। तो आप मेरा पोटेंशियल पता लगा लेते हो। तो जब भी पोटेंशियल पता करना है, एक सिंगल आदमी के पोटेंशियल को मेजर करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए किसी ना किसी का रेफरेंस चाहिए। आप उसी को पोटेंशियल कहते हो। विदाउट रेफरेंस पोटेंशियल को मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल को डिफाइन करना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से शुरुआत करते हैं कि होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सिंपल समझ लो, आपके पास एक चार्ज यहां है, ये यहां पर दो पॉइंट है, एक ए और एक बी, दो पॉइंट है। और याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां, याद रखना। Without field, without electric field, V equal to zero. बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल को मेजर करना बहुत मुश्किल है। जब तक वहां चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, पोटेंशियल को मेजर करना बहुत मुश्किल है। आसपास में चार्ज का होना जरूरी है, तभी आप पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो। जैसे पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम किसी ह्यूमन का पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो हमारे पास काम होना जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि वो किस काम को कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, तभी हम कहते हैं कि उसके पास पोटेंशियल है। अदरवाइज आप पोटेंशियल को नाप नहीं सकते। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए या आसपास में कोई चार्ज होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, यहां से एक चार्ज Q नॉट लेते हो, Q नॉट, और इस Q नॉट को, ये Q नॉट फिर से टेस्ट चार्ज है, इस Q नॉट को
आप इस पॉइंट बी से ए तक लेके जाते हो, तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इज क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। अभी मैंने वो डेरिवेशन में प्रूफ किया था कि दिस इज द वर्क डन, ए से बी जाने में क्या था, क्यू नॉट कॉमन और वी ए बाई वी बी, इस वी बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, किसी चार्ज के अराउंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है, किसी चार्ज की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज व्हाट, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट एक्सेलरेशन, या आप लिख दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट एक्सेलरेशन या विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपकी मर्जी है कुछ भी लिखो। यानी कि अगर आप चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां, तो आप पर लगातार फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हो तो आप पर लगातार इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो इसका मतलब आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी आपकी एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, नहीं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा और आपको विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर वन। पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट देखो, वर्क के लिए जूल और चार्ज के लिए कूलम, ऐसा यूनिट जूल अपॉन कूलम या बोलते जूल पर कूलम, या एक और हम बोलते हैं वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट भी लिखते हैं या जूल पर कूलम भी लिखते हैं, चॉइस इज योर्स, कुछ भी लिख लो आप। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखें आप। और इसकी डायमेंशन अगर निकालनी हो, W by Q equal to V, वर्क के लिए हम लोग लिखते हैं एम एल टी माइनस टू। वर्क के लिए क्या लिखते हो आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये वर्क की डायमेंशन है। चार्ज के लिए आप लोग ए टी लिख देते हो, तो क्या हो जाएगा आपका एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये डायमेंशन है पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस की और पोटेंशियल की, अभी पोटेंशियल की भी बात करेंगे हम लोग। पर आप कह सकते हो दो, आपको पता है डायमेंशन में अगर आपको वेलोसिटी, अगर आपको एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन, आपको पता है एक्सेलरेशन होता है, तो जो डायमेंशन पोटेंशियल की होगी वही डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस की भी होगी, इसलिए मैंने आपको कह दिया।
तो पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट वोल्ट होती है। तो यहां तक हमें पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम दो पॉइंट्स के बीच में ही क्यों निकाल रहे हैं। इसका भी एक लॉजिक है, पहले बताया आपको किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करना मुश्किल है। मान लो इस पॉइंट पर मेरे पास पहले से 10 जूल एनर्जी थी, 10 जूल एनर्जी थी और यहां पर 20 जूल एनर्जी, तो यहां की एनर्जी हमको अलग नजर आ रही है, यहां की एनर्जी हमको अलग नजर आ रही है। पर अगर हम यहां से यहां वर्क डन करें तो वो ना तो इस पे डिपेंड करेगा ना इस पे डिपेंड करेगा। वो किस बात पे डिपेंड करेगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पे। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे टर्म इंटर रिलेटेड है। क्योंकि कूलम्बिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो पाथ पे वैसे ही डिपेंड नहीं करता। और मैंने आपको वैसे भी बता दिया था कर्व पाथ पे जब आपने मूव किया था तो सिर्फ दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, ये हमने क्लियर पहले ही पढ़ लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल डिफरेंस का। अब आप देखें, एक कन्वेंशन आपको हमेशा मान के चलनी है सभी बुक्स में, एनसीईआरटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अगर आप देखोगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आता है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज कंसीडर्ड जीरो, यानी इंफिनिटी पर हम पोटेंशियल को जीरो मान के चलते हैं। देखिए, हमने क्या किया था, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था वर्क डन। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछूं, बोलूं VB - VA, इसका क्या मतलब है? वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपको पता है ना, अगर आप A से B मूव करते हो, इफ यू मूव फ्रॉम A टू B देन वर्क डन इज A टू B एंड व्हाट इज द वैल्यू, इट इज पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इनटू दिस चार्ज क्यू नॉट। ये है, यानी फाइनल का आप पोटेंशियल पहले लिखते हो, इनिशियल का बाद में लिखते हो। और याद रखना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है या जो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, ये आप एक्सटर्नल फोर्स की मदद से कर रहे हो। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप काम कर रहे हो। मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सेलरेशन, यानी आप लेके जा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। अब हमें क्या करना है, ये याद रखना है, वी नो पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो है, ये याद रखना है आपको। यानी कि अगर ये पॉइंट ए तो एज इट इज है और बी पॉइंट कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे लाई करता है, तो जब आप वर्क डन करोगे कहां से कहां, बी से ए, इंफिनिटी से लेके आ रहे, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए फाइनल, क्योंकि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, आप यहां इंफिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हो, तो आपको पता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू क्यू नॉट। और आप उसके बाद क्या लिखते हो, वी बी ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये लिखा है आपने। अब आप देखें, अगर हमने ये माना कि पोटेंशियल एट इन बी इज जीरो, बी मीन्स बी लाइज एट
इंफिनिटी और पोटेंशियल एट बी इक्वल टू जीरो, ये हमें बताया कि हमें इंफिनिटी के पोटेंशियल को जीरो कंसीडर करना है। तो इन दैट केस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इक्वल टू वी, यानी कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजिशन विदाउट एक्सेलरेशन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे आप पोटेंशियल एट अ पॉइंट? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजिशन विदाउट एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये डेफिनेशन है जो आपको लिखनी है। याद रखना काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, आपको बहुत धीरे से फोर्स लगानी है, उतनी ही फोर्स लगानी है जितना आप पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स आए। तो मैंने आपको एक चीज क्लियर बताई और आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे, ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने भी बुक्स को कंसीडर किया हुआ है और जितना बुक्स से पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू दैट जो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कंजर्वेटिव का मतलब ए से बी चाहे आप ये वाला पाथ से जाओ, दिस इज पाथ नंबर वन, आपने ये पाथ फॉलो किया और दूसरा पाथ ये वाला फॉलो किया और तीसरा कर्व पाथ फॉलो किया, तीन पाथ है, तीनों पाथ में आपको पता है जो वर्क डन होगा ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वाया पाथ वन वाया पाथ टू और वाया पाथ थ्री, तीनों इक्वल होंगे। ऐसा ही यहां पर होता है। तो जब भी आप पोटेंशियल को डिफाइन करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का पता पहले होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पर पोटेंशियल को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई होप कि आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल की ऐसा यूनिट भी वोल्ट है, यह भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखें आप कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट ए पॉइंट बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, बोथ हैव द ऐसा यूनिट जूल पर कूलाम और वोल्ट। सिंपल, इसकी जगह आप चाहो तो जूल पर कूलाम भी लिख सकते हो, सेम ऐसा यूनिट होती है। क्लियर? ऑब्जेक्ट में डाल के हम लोग पॉज लिख लेते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें। अब हम एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। Now we move toward the expression for the potential at a point. Important expression for electric potential at a point.
डेफिनेशन आपने लिखी दी थी, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू गिवन पॉइंट। देखो यहां आपके पास एक चार्ज क्यू है, ये प्लस क्यू, और आप चाहते हो कि इस प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल आपको इस डिस्टेंस पे चाहिए, ये डिस्टेंस आर, इस आर पर आपको इस चार्ज का पोटेंशियल चाहिए और ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम हाफ हो गया। आपको पता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है? वर्क डन करना है आपको इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के, सपोज करो यहां कहीं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, तो आपको इन्फिनिटी से अपने चार्ज को उठाना है यहां से क्यू नॉट को, और यहां पर लेके आना है, यहां से उठा के यहां लाना है, इस बात से नहीं लाना, बात आपको ये फॉलो करना है, विदाउट एक्सेलरेशन बहुत धीरे धीरे लेके आना है, जितना रिपल्सिव फोर्स लगे उतना ही फोर्स आपको देना है ताकि एक्सेलरेशन जीरो हो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो आपको वर्क डन करना है, मान लो यहां पर कोई दो पॉइंट है P से Q और इनका डिस्टेंस यहां से x है, और मान लो P टू Q E कांस्टेंट है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो P से Q आप मूव कर रहे हो और इस डिस्टेंस का नाम dx ले लो, x ना लिख के dx ले लो, और यहां से ये डिस्टेंस है x। याद रखना P और Q दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपने पढ़ा होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, ये पढ़ा हुआ है आपने, फोर पॉइंट चार्ज E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x स्क्वायर, पर मैंने दोनों पॉइंट बहुत पास पास लिए हैं, इतने पास लिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब वर्क डन देखो, हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ओ। आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट ओ तक लेके आ रहे हो, ठीक है, लेट स्मॉल पाथ पी क्यू बिटवीन इन्फिनिटी एंड ये डिस्टेंस कितना है आर, चार्ज से ये इन्फिनिटी है और आप मूव कहां कर रहे हो, एक्चुअल में इन्फिनिटी से लेके यहीं तक मूव करा रहे हो, क्योंकि पोटेंशियल आपको यहां निकालना है, यहां नहीं निकालना है, तो आप चार्ज को कितनी दूरी लेके आ रहे हो, फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस, क्लियर है, यू आर नॉट टेकिंग दिस चार्ज क्यू नॉट टू दिस पॉइंट, यू आर टेकिंग फ्रॉम इनफिनिटी मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस आर। तो छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, dw इक्वल टू एफ डॉट dx, याद रखना f क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो अगर आपने जो फोर्स लगाया है वो भी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखोगे, एफ डीएक्स कॉस थीटा, ये आपका वर्क डन है, आपका वर्क डन है ये, और आपको पता है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इसकी जगह नेगेटिव, और इस पॉइंट पर अगर चार्ज ये क्यू नॉट यहां से यहां मूव करके आ गया तो इस क्यू और इस क्यू नॉट के बीच का कूलम्बिक फोर्स क्या होगा, के क्यू क्यू नॉट और एक्स स्क्वेयर। मेजर गलती बच्चे क्या कर देते हैं कि आर स्क्वेयर डाल देते हैं, आपको आर स्क्वेयर प्लेस नहीं करना है, याद रखें आप चार्ज को इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, आप छोटे से पाथ पे मूव करा रहे हो, अभी आप चार्ज को सिर्फ पी से क्यू लेके जा रहे हो, तो आपको इस चार्ज से ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, यहां पर फोर्स कैलकुलेट करनी है आपको इस क्यू नॉट और इस क्यू के बीच में, तो ये आए यहां पर, तो डी डब्ल्यू
इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर और डी एक्स कॉस थीटा, यहां थीटा जीरो डिग्री है तो सिंपली मैं एफ डी एक्स लिख रहा हूं। याद रखना दिस थीटा इज अ एंगल बिटवीन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, ध्यान रखें। पर मैंने इसको चेंज कर दिया है कूलम्बिक फोर्स के बराबर, क्योंकि आप वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स कर रहे हो। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसी सिस्टम में स्टोर होगी जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान रखिए। देखो क्या, तो आप क्या कर रहे हो, K, Q और Q नॉट को कॉमन ले लो। आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो dW को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो dx आएगा और x स्क्वायर, और कहां से कहां ला रहे हो आप, इंफिनिटी से r। मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल तभी होता है जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर से रिकॉल करो। आपने पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी 11th में दो जगह निकाला होगा, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के केस में भी आप उस पर वर्क डन करते हो, रीस्टोरिंग फोर्स जो कंजर्वेटिव है, आपने स्प्रिंग को दबाया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी फोर्स अगेंस्ट द उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट है जो स्प्रिंग के अंदर डेवलप हुई। जो हमारे पास 11th में आपने देखा होगा ये स्प्रिंग थी, हमने स्प्रिंग को इधर दबाया था एक्सटर्नल फोर्स से, और स्प्रिंग के अंदर एक हमने इधर दबाया था रीस्टोरिंग फोर्स, इधर डेवलप हुई थी ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद रखना इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई थी। आपने जब एक बॉल को ऊपर उठाया था तो आपने तो वर्क डन इधर किया था। आप देखो आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप फोर्स इधर लगा रहे हो, ये यहां से इधर फोर्स लगा रहे हो। आप ध्यान से देखिए, आप इसको यहां से ऊपर लेके जा रहे हो, आपका फोर्स कितना है, आपका फोर्स कितना है, एफ इक्वल टू एम, आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो एफ इक्वल टू एम जी, आपने इतना ही फोर्स लगाया ना इस बॉल, मान लो इस बॉल का मास एम है और वो एम जी नीचे जा रहा है, आपने एम जी फोर्स लगाया और ये ऊपर चला गया, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पर, मान लो डी एक्स, तो आपका वर्क डन कितना हो गया, एम जी इंटू एक्स। पर अगर आप यही फोर्स, ये आपका है एक्सटर्नल का, कंजर्वेटिव की वजह से देखो, कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से देखो। अब आप सोचो जब आप इस बॉल को ऊपर लेके जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रही है, जब आप अपवर्ड लेके जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे है। आप याद रखना यहां पर जो फोर्स है ये आपकी फोर्स है एक्सटर्नल जो ऊपर है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, इसीलिए आपका वर्क डन पॉजिटिव था। यहां देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां आपने ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जा रहा है, बॉल को आप ऊपर लेके जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उधर है और फोर्स ग्रेविटेशनल नीचे है, तो वर्क डन कितना होना चाहिए, mg x माइनस, तो वर्क डन तो नेगेटिव है। पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे तो आप mg x लिखते थे, mg x, क्यों, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो नेगेटिव है और उसका नेगेटिव कर देते हो आप। देखो कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है, उसका जब आप उल्टा करते थे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बनता था। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होगी जिस सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस कंजर्वेटिव हो। आप एक ये मार्कर है,
इस मार्कर को आप यहां से यहां लेके गए, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई, फोर्स तो आपने इस केस में भी लगाया था, पर आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होती। जब आपने मार्कर को यहां से यहां लेके आए तब मार्कर के अंदर क्यों नहीं एनर्जी स्टोर हुई इस केस में? क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने जो वर्क डन किया वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया है और फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर आप इसी मार्कर को यहां से ऊपर लेके जाते हो, फोर्स आपने यहां भी लगाई है, पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। क्यों? क्योंकि यहां आपने काम किसके अगेंस्ट किया है? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया है, यहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया है। तो ध्यान रखें, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस से एसोसिएटेड होती है। तो आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम इस पर दोबारा चलते हैं, बैक टू द टॉपिक। के क्यू क्यू नॉट और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 1 बाय एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाय एक्स, ये माइनस का निशान हमारे पास यहां है, इनफिनिटी से आर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो के क्यू क्यू नॉट 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी जीरो होता है, तो के क्यू नॉट बाय आर इक्वल टू डब्ल्यू, और W अपॉन Q नॉट इक्वल टू के क्यू बाय आर, और इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं, V इक्वल टू के क्यू बाय आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। डेफिनेशन मैंने इससे पहले लिखी थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स पोजिशन विदाउट एक्सेलरेशन और विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन शुड बी वेरी स्लोली, आपको काम बहुत धीरे धीरे करना है, एक्सेलरेशन नहीं देना। और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? के क्यू बाय आर। अगर आप पोटेंशियल की बात करोगे वी की, तो वी और आर का अगर आपको प्लॉट बनाने को बोला जाएगा तो प्लॉट आप ऐसे बनाओगे, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे आपका पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी, जो समझाया वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करो और इसको लिखो। नाउ अब हमने पढ़ा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीजें तो हमने पढ़ी। अब हमें पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। देखिए हमारे को आता है एक डेरिवेशन आता है कि पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस एक पॉइंट पर अवेलेबल हो तब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? देखिए आप यहां पर एक चार्ज Q1 है और R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है O। दूसरा चार्ज भी यहां पर है Q2 और इसका डिस्टेंस है R2। तीसरा चार्ज भी यहां पर है Q3, R3 डिस्टेंस पे। फोर्थ चार्ज भी है, इसी तरह से NH चार्ज भी है। यानी आपके पास आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं एंड यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ओ, सॉरी ओ पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो सिंपल याद रखें, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस विल बी द स्केलर सम ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल्स ड्यू टू
इंडिविजुअल चार्जेस। सिंपल है, आपने जब कूलम्बिक फोर्स कैलकुलेट किया था, व्हेन यू हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस और फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इन दैट केस यू हैव टेकन द वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। यहां आपको स्केलर सम यूज करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास स्केलर सम के हिसाब से वी विल बी इक्वल टू वी वन वी टू वी थ्री एंड सो ऑन वी एन। ये पहले चार्ज का पोटेंशियल होगा, ये दूसरे चार्ज का पोटेंशियल, तीसरे चार्ज का पोटेंशियल क्यू थ्री का ये है, क्यू फोर का, क्यू फाइव का और एन एच चार्ज का पोटेंशियल ये है। सारे पोटेंशियल का सम कर देना है। ध्यान से देखिए, अब जो V1 है दैट विल बी Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q V2 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, V3 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 और फोर NH चार्ज इट इज Qn बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। या इनमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, अगर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, बचेगा क्या Q1 बाय R1, Q2 बाय R2 एंड सो ऑन Qn बाय Rn, ये बचा हमारे पास। सिंपल, अब इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन लिखते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 टू n, और क्या लिखेंगे qi r। सिंपल, दिस इज v net। कोई वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, कोई वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखें, इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव ही होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी पॉजिटिव। एंड अगर मैं नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल करूं तो याद रखें पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको एक बात अभी अपने लेक्चर में समझाई है कि पोटेंशियल हमेशा उसी सिस्टम का होता है जो कंजर्वेटिव फोर्स में काम कर रहा होता है। अब आप देखें, क्योंकि आप एक चार्ज को यहां से यहां लेके आए, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स था और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा था, यानी कि इसका वर्क डन नेगेटिव था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कर रहा था, और आप जो काम कर रहे थे वो पॉजिटिव है, और पोटेंशियल हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है। यानी कि अगर आप चार्ज को यहां से यहां मूव करोगे और आपको कंजर्वेटिव फोर्स रिपेल करेगी, तभी आपके पास कुछ ना कुछ स्टोर होगा पोटेंशियल जैसा, क्योंकि समहाउ पोटेंशियल इज रिलेटेड टू एनर्जी। आपने देखा है पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है, पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज लिखते हो आप जूल पर कूलम। आपको पता है यहां चार्ज की मूवमेंट है, चार्ज से आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अपनी एनर्जी होती है कि नहीं होती? आपको पता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और हम जानते हैं लाइट के पास एनर्जी होती है। तो जहां चार्ज है वहां फील्ड है, यानी जहां चार्ज है वहां एनर्जी है, सिंपल लॉजिक है ये। तो अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है तो आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यहां देखो, अगर आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q0, आप इसको इधर मूव करा रहे हो,
आपका जो फोर्स है वो भी इधर है एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर है। पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट स्टोर होती है, जैसे यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर था, इसके अगेंस्ट पोटेंशियल स्टोर हो रहा है। जब कोई काम करेगा उसके काम करने से ही तो हमें पता चलेगा, जब उसके काम को हम मेजर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उसके पास पोटेंशियल है। भाई हम अपनी क्लासेस के अंदर आप देखते हो आपके टीचर आपको कहते हैं तूने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया। एक्चुअल में हम आपके काम को, आपको काम दे रहे हैं आपका पोटेंशियल मेजर करने के लिए। आपको ये लगता है कि हम आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर द स्टूडेंट्स। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जितना काम करोगे आपका पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज होगा आपके वर्क के अगेंस्ट। तो अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो काम करते हो, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तभी पोटेंशियल होता है आपके पास पॉजिटिव। और अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में करते हो तो आपका पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव लेना है और पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव लेना है। हमने फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया था, पर जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उस केस में हम चार्जेस के साइन को भी कंसीडर करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन था, स्क्रीन को पॉज करो और इसको राइट डाउन करो। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखें आप, अगर हम बात करते हैं, कई बार एक छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है जो मैंने आपको शायद नहीं लिख पाई। ये टेंथ से हम लिखते आ रहे हैं, छोटी सी डेफिनेशन क्या है आपको बोलता है, डिफाइन वन वोल्ट को डिफाइन करो। देखो आपने क्या पढ़ा है, WAB अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू VB माइनस VA, या आपने VA क्या पढ़ा था, W इन्फिनिटी टू A अपॉन क्यू नॉट। ये दो आपने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पढ़ा था, दो बातें पढ़ी है। तो पहले मैं इसकी टर्म में डेफिनेशन दे रहा हूं, फिर मैं इसकी टर्म में डेफिनेशन दूंगा। तो देखो आपके पास दो पॉइंट थे ए और बी, और आपने ए से बी तक इस चार्ज को मूव कराया था क्यू नॉट ए से बी। अगर ये यहां का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है और यहां का 9 वोल्ट है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1 वोल्ट। आपको यही 1 वोल्ट डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, पहले मैं इस टर्म से डिफाइन कर रहा हूं, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेट टू बी 1 वोल्ट। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन in moving 1 coulomb charge between 2 points। Simple, आपको पता था WAB by Q0। अगर आप इसको 1 joule कर दो और इसको 1 coulomb कर दो तो ये potential होगा VA minus VB। तो ये क्या होगा 1 joule per coulomb, या इसको 1 volt लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक तो ये डेफिनेशन थी, दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट पर करूं तो उसको ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेट टू बी
1 वोल्ट, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट तभी होगा जब आप 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाने में सिर्फ 1 जूल काम करोगे। यानी ये देखो यहां पर क्या था आपके पास VA, अब देखो अगर यहां पर मैं 1 जूल काम करूं 1 कूलम को लाने में तो ये होगा 1 जूल पर कूलम और इसी को 1 वोल्ट बोलते हैं। तो A पर पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा जब आप इंफिनिटी से A पर लाने में जो काम करो वो 1 जूल हो और जिस चार्ज को लेके आए हो वो 1 कूलम का हो। आप इसको राइट डाउन करें। नाउ ये तो हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ ली। अगला टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप ध्यान रखें हमारे कोर्स में सिर्फ पॉइंट चार्ज और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है या कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पॉइंट चार्ज, हमें पोटेंशियल किस किस की वजह से निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की वजह से निकालना है जो मैंने आपको कराया था बहुत सारे चार्जेस हों, या एक पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर, और दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अलावा शेल वायर बहुत सारी ज्योमेट्री होती है, हर ज्योमेट्री की वजह से अगर हर ज्योमेट्री पे अगर चार्ज है और अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा ही होगा, शेल का भी हो सकता है, लाइन चार्ज का भी हो सकता है, शीट का भी हो सकता है। वो आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे एडवांस में है बिकॉज हमारे लेक्चर्स सिर्फ CBSE पे बेस्ड हैं अभी वाले, तो इसीलिए हम सिर्फ CBSE के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एक्स्ट्रा नीट JEE मेंस इसके लिए हम लेक्चर्स बाद में अपलोड करेंगे, अभी हम सिर्फ टोटली कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड हैं और उन बातों पे फोकस्ड हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो CBSE में भी पूछे जाते हैं, CBSE में ही पूछे जाते हैं आप ऐसा कह सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, आपको पता है आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी, कहां निकाली थी, एक तो एक्सियल लाइन, एक इक्वेटोरियल लाइन नॉर्मल। इसमें आपसे ये दोनों भी पूछेगा और एट एनी पॉइंट भी पूछ लेता है, एट एनी पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। तो देखिए हम एनी पॉइंट से लेके चलते हैं, ये हमारा अपने आप डिराइव हो जाएगा या हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से दोबारा भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, सपोज करो यहां पर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है यहां और ये डायपोल का सेंटर है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी, थोड़ा और दूर करते हैं क्योंकि ये पॉइंट बी है, दिस इज द सेंटर ऑफ दैट, हियर यू हैव नेगेटिव चार्ज, या पहले मैं यहां पॉजिटिव ले रहा था, पॉजिटिव ले रहा, आप कहीं भी ले सकते हो, कहीं पॉजिटिव ले सकते हो, कहीं नेगेटिव, मैं यहां पॉजिटिव ले सकता हूं, यहां नेगेटिव ले सकता हूं, आपकी मर्जी, किसी भी पॉइंट पर आप चार्ज को ले सकते हो। थोड़ा सा चेंज आएगा वो मैं डेरिवेशन करने के बाद आपको बताऊंगा कि अगर आप यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव रखते हो तो क्या फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा बट कंडीशन सेम रहेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सा फर्क आएगा वो बाद में आपको अपने आप समझ में आएगा जब हम इस डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे। मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी है, इस पॉइंट पर यू हैव टू फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, दिस पॉइंट इज सी, और यहां से सेंटर से आपको पता है कि आपको सारे डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से मेजर करने होते हैं, तो इसको मैं एक्स, इसको मैं आर मान के चलता हूं। सपोज करो ये आर है और इसके साथ इसने थीटा एंगल बना रखा है डाइपोल मोमेंट के साथ, पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा। आपको यहां पोटेंशियल निकालना है तो सिंपल है, पोटेंशियल है सी। देखो इस सी पॉइंट पर पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, वी नेट, एक तो इस चार्ज की वजह से होगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ये वाला डिस्टेंस मैं आर वन ले रहा हूं, और यहां नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव लेना है, तो यहां माइनस आ जाएगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू, और ये डिस्टेंस है आर टू यहां से, या इसका पोजीशन वेक्टर कह दो आप आर टू। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप यहां पॉजिटिव रखते और यहां नेगेटिव रखते तो क्या फर्क आता। देखिए आपने यहां नेगेटिव चार्ज रखा और नेगेटिव चार्ज दूर है आपसे, आपको पता है v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, ये नेगेटिव चार्ज दूर है, इसका मतलब v का जो पोटेंशियल है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और इस v का जो पोटेंशियल है, जो v वाला चार्ज है, हमेशा बी वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, बी वाले का, ये पास में है। तो अगर आप यहां पॉजिटिव रखते यहां नेगेटिव रखते तो फाइनल एक्सप्रेशन में एक माइनस का साइन भी आता, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ऐसे लिखा तो ठीक है, अदरवाइज अगर पोटेंशियल में माइनस भी आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, जो चार्ज ज्यादा डोमिनेट करेगा उसका पोटेंशियल आप लोगे वहां। तो ये हमारा पोटेंशियल आया, इसमें से मैं क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, मैंने इसको इक्वेशन नंबर वन लिखा हुआ है। अब आप देखें इसको करने के कई तरीके हैं, पर मैं एक सिंपल तरीका ले रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बार बार ट्रायंगल लॉ पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, तो मैं सिर्फ ट्रायंगल लॉ को यूज करूंगा। देखो हमने ट्रायंगल्स लॉ पढ़ा था, हमने ट्रायंगल्स लॉ पढ़ा था, और ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि अगर हमारे पास एक फैक्टर ए हो, यहां पर एक फैक्टर बी हो, और ये रिजल्टेंट हो आर, और यहां पर एंगल बनता हो थीटा, यानी कि ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, और ये, तो आप आर क्या लिखते थे, व्हाट इज आर, आर इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, आप ये लिखते, अगर आपको याद हो तो ये आपका आर होता था, ये ट्राइंगल लॉ था। अब आप इसी को यहां अप्लाई करो, इसमें देखो ये आपका ए है, ये आपका आर है, और ये आपका आर टू है, मैं इस ट्रायंगल के अंदर अप्लाई कर रहा हूं ए ओ सी, यहां देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी दिस इज रिजल्टेंट लाइक दिस, ये दोनों एक जैसे हैं, तो आर टू इक्वल टू ए की जगह ए है दोनों में ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, आर की जगह बी है, प्लस टू ए आर कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ गया पावर हाफ। इनमें से आई एम टेकिंग आर एज अ कॉमन, यहां से देखो मैं आर स्क्वेयर कॉमन ले रहा हूं, क्या होगा देखो, यहां तो ए,
यहां से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ए के साथ आर स्क्वायर नहीं है तो यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहां से आपने कॉमन ले लिया तो यहां वन बचा और यहां क्या बचा, टू ए बाय आर कॉस थीटा। एक आर से मल्टीप्लाई, एक आर से डिवाइड कर दो तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये पावर हाफ, ये आर स्क्वायर बाहर आ गया। बाहर आते ही पावर हाफ थी तो आर बाहर आएगा, पावर हाफ थी तो रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ आर बाहर आएगा। यहां देखिए आप, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नेगलेक्टेड, क्योंकि ए जो है वो बहुत छोटा होता है नॉर्मली आर से, और स्क्वायर करके डिवाइड करो तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जब इसको नेगलेक्ट कर दिया तो यहां पर सिर्फ वन बचा और यहां पर टू ए बाय आर कॉस थीटा और होल की पावर हाफ। थोड़ा सा मेथड लेंथी है बट बेसिकली आपको शायद समझ में आया ज्यादा बेटर तरीके से। अब आप देखें रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल कर दें इसका, तो वन बाय आर टू, वन बाय आर, यहां पर वन प्लस टू ए बाय आर कॉस थीटा और इसकी पावर माइनस आर। इसको तो मैं डिनोमिनेटर में ले आया पर इसकी पावर मैंने सिर्फ चेंज कर दी, नीचे आता नीचे से ऊपर लेके जाते तो पावर माइनस से प्लस से माइनस हो जाता। अब आपका एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम नेगेटिव इंडेक्स के लिए आपको पता है वन प्लस ए की पावर अगर हम एक्स लिखते थे तो सिंपल हम लिख देते थे वन प्लस ए एक्स। बाइनोमियल थ्योरम में हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते थे, सिर्फ इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई कर देते थे, हमने इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, देखो ए बाय आर वन माइनस ए बाय आर कॉस ऑफ थीटा, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बाय आर बचेगा। यहां देखिए अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये क्योंकि लीनियर पेयर है, अगर इधर थीटा है तो इधर 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप क्या लिखोगे इस ट्रायंगल के अंदर, सिमिलरली इन ट्रायंगल बी ओ सी वन बाय आर वन, इस आर वन की जगह सिंपली लिख सकते हो आप वैसे ही, क्या लिखोगे ए बाय आर वन माइनस ए बाय आर कॉस, यहां पर 180 डिग्री माइनस थीटा है और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल लिख दो इसको वन बाय आर, आर वन इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस ए बाय आर कॉस ऑफ थीटा। यहां पर माइनस था, इसको इक्वेशन नंबर टू और इसको इक्वेशन नंबर थ्री पुट कर दो आपके पास वन बाय आर वन की वैल्यू भी आ गई, वन बाय आर टू की वैल्यू भी आ गई। स्क्रीन को पॉज करो और इसको राइट डाउन करो और हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए आप Using वन टू एंड थ्री तीनों इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं। यहां देखिए v net q by 4 pi epsilon naught common, r1 की वैल्यू देखिए आप वन बाय आर वन की, दिस इज द वैल्यू वन बाय आर 1 प्लस ए बाय आर कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 बाय आर टू की वैल्यू, दिस इज 1 बाय आर 1 माइनस
a by r cos of theta. Now 1 by r दोनों में कॉमन है, बाहर ले q upon 4 by epsilon naught r बाहर, यहां 1 plus a by r cos of theta, ये बाहर आ गया ना, ये वाले टर्म बाहर आ गए, इससे भी बाहर आ गए, तो सिर्फ ये टर्म बची। यहां पर देखिए माइनस का निशान है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन प्लस ए बाय आर कॉस ऑफ थीटा, ये और ये कैंसिल हो, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू ए कॉस थीटा, दो बार आ गया, सेम क्वांटिटी है, ट्वाइस हो जाएगा। यहां देखिए 2aq आपने पहले पढ़ा था, p cos थीटा, आपको पता है 2aq, 2a डायपोल की लेंथ है और चार्ज q है, इसको आप डायपोल मोमेंट पढ़ते आए, और यहां क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज द नेट पोटेंशियल, तो v नेट कितना होगा, इट इज p cos थीटा by 4 pi epsilon naught r square. ये net potential due to an electric dipole. आप देखें, जब हमने अभी potential का expression निकाला था, अभी निकाला हमने potential का expression, क्या निकाला था, 4 point charge, V equal to Q by 4 pi epsilon naught R, यानी V proportional to 1 by R, ये था अभी निकाला हमने। For dipole V proportional to P cos theta by 4 pi epsilon naught R square, यानी V proportional to 1 upon R square, R स्क्वायर। यानी कि अगर आप एक ही कर्व के ऊपर, यहां E, यहां पर V और यहां R प्लॉट करोगे, तो जो जल्दी फॉल हो, यहां पर V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर और यहां V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R, ये पॉइंट चार्ज का होगा और ये डाइपोल का होगा, क्लियर है, ये है वेरिएशन। यानी कि फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी पोटेंशियल डिक्रीज करता है डाइपोल के केस में, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, पॉइंट चार्ज के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर और डाइपोल के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब, तो यह ऐसा ही पोटेंशियल में भी होता है। नाउ स्क्रीन को पॉज करें और इसको राइट डाउन करें। अब आप देखें, कभी कभी आपसे पूछता है कि जो पॉइंट चार्ज है हमारे पास, यह हमारे पास पॉइंट चार्ज है, आपको पूछता है कि पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है उसकी सिमेट्री कैसी होती है। याद रखना, सिमेट्री ऑफ पोटेंशियल कैसी होती है, स्फेरिकल। अगर पॉइंट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही पोटेंशियल की भी जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है, और डाइपोल के लिए जो सिमेट्री है इट विल बी सिलेंड्रिकल। वन मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं कि पोटेंशियल, व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है इसकी, और पॉइंट चार्ज की स्फेरिकल सिमेट्री होती है, वन मार्कर क्वेश्चन है। अब ये तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया, किसी भी पॉइंट पर, देखिए जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन V इक्वल टू P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये तो किसी भी पॉइंट पर था,
अगर हमसे कोई बोलता है कि आप एक्सियल लाइन के ऊपर बताएं, या हमसे बोलता है कि आप इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर बताएं, दो जगह, यानी कि इधर कहीं भी, या आपको पता है एक्सियल लाइन है। तो देखो ये पॉइंट ऐसे जा रहा था, दिस इंक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन दिस डाइपोल मोमेंट एंड दिस। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो थीटा कितना होगा, जीरो, और अगर ऐसे कर दूं तो 180। तो एक्सियल लाइन पे थीटा या तो जीरो होगा या 180 होगा, इस तरफ होगा तो जीरो और इस तरफ होगा तो 180। तो यहां देखें v कितना होगा, v इक्वल टू p cos 0 by 4 pi epsilon naught r square, यानी कि p by 4 pi epsilon naught r square, यानी ये किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ, और अगर नेगेटिव की तरफ होगा, अगर मैं यहां की बात करता तो नेगेटिव चार्ज पास में है तो उसका पोटेंशियल अगर मैं निकालता, अगर मैं पॉजिटिव के पास होता तो ये आता, नेगेटिव के पास आता तो p cos 180 डिग्री 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो माइनस p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि अगर आप नेगेटिव चार्ज यहां रखते तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ साइन में चेंज आता, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज के पास हो और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और जिसके पास आप होगे वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। अब इक्वेटोरियल लाइन पे देखें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये देखें इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये ऐसे उठ के ऐसे आ गया तो थीटा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। और आपको पता है यहां पर cos 90, cos 90 डिग्री इज जीरो, तो v कितना आएगा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, जीरो। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट अवेलेबल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो बट पोटेंशियल ना हो, यस यस, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल ई एग्जिस्ट और वी कितना होता है, जीरो। ध्यान रखना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एग्जिस्ट करता है। वन मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कहीं ऐसा पॉसिबल है कि वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड बट पोटेंशियल इज जीरो, यस, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। स्क्रीन को पॉज करें और इसको राइट डाउन करें। नाउ वी मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक में मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि पूछा भी जाता है और वो सिंपल भी है। What is the question? Question is simple. He proves electrostatic force is conservative in nature. Question क्या है? Prove electrostatic force is कंजर्वेटिव इन नेचर, या आपको ऐसे बोलेंगे प्रूव ई डॉट डी एल ओवर द लाइन, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते थे, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या कहते हैं, आपने गॉस थ्योरम में सरफेस इंटीग्रल पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई डॉट डी एल आपको प्रूव करना है फॉर क्लोज पाथ ई डॉट डी एल इज जीरो, या इलेक्ट्रिक फील्ड
कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है, ये दोनों बात सेम है। आपको पता है हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो होता है। सपोज करो आपके पास यहां पर कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, आपने एक चार्ज क्यू नॉट को लिया और ए से बी गए और पाथ वन था आपके पास, दिस इज पाथ वन, क्या होगा देखो, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी वाया पाथ वन, पाथ वन से मूव करा रहे हैं। आपको पता वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन जब आप ए से बी करोगे उसका सिंपल फॉर्मूला है पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इंटू क्यू नॉट, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी। यहां से देखें डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ यू मूव अगेन द चार्ज क्यू नॉट वाया दिस पाथ, ये रहा पार्ट टू, ए से बी लेके चले गए, अब आप बी से ए वापस लेके आ रहे हो तो क्लोज पाथ हो गया। कौन सा क्लोज पाथ है आपके पास, क्लोज पाथ है आपके पास दैट इज ए बी ए, ए से स्टार्ट हुए बी गए दोबारा ए पे वापस आ गए, तो योर वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग Q naught from B to A via part 2, दूसरे पाथ से लेके आया, तो देखें क्या होगा, W work done from B to A, B से A जा रहे हो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है और साथ में क्यू नॉट, तो डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। वन प्लस टू डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट, वो देखो डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट प्लस ये वाला डब्ल्यू बी ए बाय क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी, ये कैंसिल आउट जीरो, यानी डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इक्वल टू जीरो, क्यू कॉमन लेके इधर भेज दो, यानी आप कह सकते हो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए एंड अगेन ए क्लोज पाथ के लिए जीरो है, इसीलिए हम लिखते हैं ई डॉट डी एल ओवर द क्लोज पाथ इज जीरो। आप इस ई से परेशान ना होना, देखो आपके पास आप ऐसे मूव कर रहे हो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो आपको पता है कि आपकी फोर्स भी इधर ही जाएगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको जब डायरेक्शन बताया था इन दैट केस आपको समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, इसीलिए इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और आपको पता है कि एफ अपॉन क्यू इक्वल टू ई होता है, और इसको मैंने अगर क्यू नॉट को वन डाल दूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं एफ इक्वल टू ई, इसीलिए ई डॉट ई है, चाहो तो एफ इंटू क्यू नॉट लिख सकते हो साथ में, यहां पर चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट दिस एस ई डॉट डी एल को आप ऐसे लिख सकते हो एफ क्यू नॉट डॉट डी एल, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्लोज पाथ में ये भी जीरो होगा
तभी फोर्स कंजर्वेटिव होगी। प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की कि क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होगा, और ये आपको प्रूव करने को आता है। आई होप कि आपके आपके आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डालें, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके उस डाउट का सोल्यूशन किया जाए। तो घर पे पढ़ाई करें, सेफ रहें। अब हम अपनी अगली क्लास में मिलते हैं फिर से। ओके, थैंक यू।